जो दान अश्रद्धा या अपमान के साथ दिया जाता है, जिसे दिखावे के लिए दिया जाता है, जो पाखंडी को प्राप्त हुआ है, जिसे शूद्र के समान आचरण वाले पुरुष ने ग्रहण किया है, जिसे देकर अपने ही मुंह से बारंबार बखान किया गया है, जिसे रोष पूर्वक दिया गया है, तथा जिसको देकर पीछे से उसके लिए शोक प्रकट किया गया है, जो दंभ से उपार्जित अन्न का, झूठ बोलकर लाए हुए अन्न का, ब्राह्मण के धन का, चोरी करके लाए हुए द्रव्य का, तथा कलंकी पुरुष के घर से लाए हुए धन का दान किया गया है, जो पतित ब्राह्मण को दिया गया है, जिस दान की वस्तु को वेद विहीन पुरुषों ने, सबके यहाँ याचना करने वालों ने, संस्कारहीन पतितों ने, तथा एक बार सन्यास लेकर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले पुरुषों ने ग्रहण किया है, जो दान वैश्य गामी को और ससुराल में रहकर गुजारा करने वाले ब्राह्मण को दिया गया है, समूचे गांव से याचना करने वाले, कृतघ्न, उपपात की, वेद बेचने वाले, राजसेवक, ज्योतिषी, तांत्रिक, शूद्र जाति की स्त्री के साथ संबंध रखने वाले, अस्त्र शस्त्र से जीविका चलाने वाले, नौकरी करने वाले, सांप पकड़ने वाले, पुरोहिती करने वाले, वैद्य, बनिए का काम करने वाले, शूद्र मंत्र जप कर जीविका चलाने वाले, शूद्र के यहाँ गुजारा करने वाले, वेतन लेकर मंदिर में पूजा करने वाले, देवोत्तर संपत्ति को खा जाने वाले, मांस बेचकर जीवन निर्वाह करने वाले, सेवा का काम करने वाले, ब्यास खोर, अनाचारी, अग्निहोत्र न करने वाले, शूद्र के गांव में निवास करने वाले, सबके साथ और सब कुछ खाने वाले, नास्तिक, झूठी गवाही देने वाले, तथा कूटनीति का आश्रय लेकर गांव के लोगों में लड़ाई झगड़ा करने वाले ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है, वह सब निष्फल होता है। उपयुक्त ब्राह्मणों को दिए हुए दान बहुत हो तो भी राख में डाली हुई घी की आहुति की भांति व्यर्थ हो जाते हैं। उन्हें दिए गए दान का जो कुछ फल होने वाला होता है, उसे राक्षस और पिशाच प्रसन्नता के साथ लूट ले जाते हैं। युधिष्ठिर, अब जिन-जिन मनुष्यों का जीवन व्यर्थ है, उनका परिचय दे रहा हूँ, सुनो। जो लोग मेरी, भगवान शंकर की अथवा भूमंडल के देवता ब्राह्मणों की शरण नहीं लेते, उनका जीवन व्यर्थ है। जिनकी कोरे तर्क शास्त्र में ही आ सकती है, जो नास्तिक पथ का अवलंबन करते हैं, जिन्होंने आचार त्याग दिया है, तथा जो देवताओं की निंदा करते हैं, उनका जीवन भी व्यर्थ ही है। जो मूल दुर्गा, स्वामी कार्तिकेय, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, माता पिता, गुरु, इंद्र तथा चंद्रमा की निंदा करते और आचार का पालन नहीं करते, वे भी निरर्थक ही जीवन व्यतीत करते हैं। जो धन होने पर भी दान और धर्म नहीं करता तथा दूसरों को न देकर अकेले ही मिठाई उड़ाया करता है, उसका जीवन भी निरर्थक ही है। अब दान का समय बतलाता हूँ। जो मनुष्य स्नान करके पवित्र हो, मन और इंद्रियों को प्रसन्न रखकर श्रद्धा के साथ दान करता है, उसके फल को वह यौवनावस्था में भोगता है। जो स्वयं देने योग्य वस्तु ले जाकर भक्ति पूर्वक सत्पात्र को दान करता है, उसको मरण पर्यंत हर समय उस दान का फल प्राप्त होता है। दान और उसका फल सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन तीन प्रकार का होता है, तथा उसकी गति भी तीन प्रकार की होती है। इस विषय का वर्णन करता हूँ, सुनो। दान देना कर्तव्य है, ऐसा समझकर अपना उपकार न करने वाले ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है, वह सात्विक है। जिसका कुटुंब बहुत बड़ा हो तथा जो दरिद्र और वेद का विद्वान हो, ऐसे ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक जो कुछ दिया जाता है, वह भी सात्विक दान के ही अंतर्गत है। परंतु जो वेद का एक अक्षर भी नहीं जानता, जिसके घर में काफी संपत्ति मौजूद है, तथा जो पहले कभी अपना उपकार कर चुका है,
ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान राजस माना जाता है। अपने संबंधी और प्रमादी को दिया हुआ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ तथा अपात्र को दिया हुआ दान भी राजस ही है। जो ब्राह्मण बलि वैश्व देव नहीं करता, वेद का ज्ञान नहीं रखता तथा चोरी किया करता है, उसको दिया हुआ दान तामस है। क्रोध, तिरस्कार, क्लेश और अवहेलना पूर्वक तथा सेवक को दिया हुआ दान भी तामस ही बतलाया गया है। सात्विक दान को देवता, पितृ, मुनि और अग्नि ग्रहण करते हैं तथा इससे उन्हें बड़ा संतोष होता है। राजस दान दानव, दैत्य, ग्रह, यक्ष और राक्षसों के उपभोग में आता है तथा तामस दान पापी और मलिन कर्म करने वाले प्रेत एवं पिशाचों को प्राप्त होता है। अब त्रिविध गति का वर्णन सुनो। सात्विक दान का फल उत्तम, राजस दान का मध्यम और तामस दान का फल अधम होता है। दान के उत्तम पात्र अग्निहोत्री ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है वह अक्षय बतलाया गया है। अतः जो वेद के विद्वान होते हुए दरिद्र हो उनके भरण पोषण का तुम स्वयं प्रबंध करो और संपत्तिशाली द्विजों की रक्षा करते रहो। अतः परलोक में अपना हित चाहने वाले पुरुष को सदा दान करते रहना चाहिए। जो वेद विद्या पढ़कर अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहते हो और शूद्रों का अन्न कभी नहीं ग्रहण करते हो, ऐसे विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक बड़े बड़े दानों का भंडार बनाना चाहिए। पांडुनंदन, जिनकी स्त्रियां अपने पति के भोजन से बचे हुए अन्न को हजारों गुना लाभ समझकर उसके मिलने की प्रतीक्षा किया करती हैं, ऐसे ब्राह्मणों को तुम भोजन के लिए निमंत्रित करना। दरिद्र कुल के ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उन्हें निराश न लौटाना, अन्यथा उनकी आशा मारी जाएगी। जो मेरे भक्त हो, मेरी शरण में हो, मेरा पूजन करते हो और नियम पूर्वक मुझ में ही लगे रहते हो, उनका यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। युधिष्ठिर, अपने उन भक्तों को पवित्र करने के लिए मैं प्रतिदिन दोनों समय की संध्या में व्याप्त रहता हूँ। इसलिए मेरे निष्पाप भक्त जनों को चाहिए कि वे आत्मशुद्धि के लिए संध्या के समय निरंतर अष्टाक्षर मंत्र का जप करते रहें। चित्त शुद्धि के लिए प्रत्येक ब्राह्मण को दोनों काल की संध्या करनी चाहिए। जो ब्राह्मण इस प्रकार संध्योपासन और जप करता हो, उसे देव कार्य और श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। उसकी निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने पर ब्राह्मण उस श्राद्ध को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे आग ईंधन को जला डालती है। धर्म के जानने वाले पुरुष को यज्ञ में ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यजमान की बड़ी निंदा होती है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला मनुष्य कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि क्षत्रिय, सांप और विद्वान ब्राह्मण यदि कमजोर हो तो भी कभी उनका अपमान न करें, क्योंकि ये तीनों अपमानित होने पर मनुष्य को भस्म कर डालते हैं। ब्राह्मण जन्म से ही धर्म की सनातन मूर्ति है, वह धर्म के लिए ही उत्पन्न हुआ है और मुक्ति पर उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण अपना ही खाता और अपना ही पहनता है, दूसरे मनुष्य ब्राह्मण की दया से ही भोजन पाते हैं। घर पर रहो या विदेश में, मेरे भक्त ब्राह्मणों की निरंतर श्रद्धा के साथ पूजा करते रहना। ब्राह्मण के समान कोई देवता, ब्राह्मण के समान गुरु, ब्राह्मण से बढ़कर बंधु और ब्राह्मण से बढ़कर कोई निधि नहीं है। ब्राह्मण से बढ़कर पवित्र और पावन कोई नहीं है। ब्राह्मण से श्रेष्ठ धर्म और ब्राह्मण से उत्तम कोई गति नहीं है। पाप कर्म के कारण नरक में गिरते हुए मनुष्य का एक सुपात्र ब्राह्मण भी उद्धार कर सकता है। जो बाल्यकाल से ही अग्निहोत्र करने वाले, शांत, शूद्र का अन्न त्याग देने वाले तथा मेरे भक्त हैं, उनको दिया हुआ दान अक्षय होता है।
मेरे भक्त ब्राह्मण को दान देकर उसकी पूजा करने, शीश झुकाने, सत्कार करने, बातचीत करने से वह मनुष्य को दिव्य लोक में पहुंचा देता है। जो लोग मेरे गुण और लीलाओं का पाठ तथा मेरा नमस्कार और ध्यान करते हैं, उनका दर्शन और स्पर्श करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मेरी महिमा का गान करते, मेरी शरण में पड़े रहते हैं, जिनकी उत्पत्ति शुद्ध रज और वीर्य से हुई है, जो वेद के विद्वान, जीतेंद्रिय तथा शुद्र अन्न से बचे रहने वाले हैं, वे दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। ऐसे लोगों के घर पर स्वयं उपस्थित होकर भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए। वह साधारण दान की अपेक्षा करोड़ गुना फल देने वाला माना गया है। जागते अथवा सोते समय, परदेश में या घर रहते समय, जिस ब्राह्मण के हृदय से उसकी भक्ति भावना के कारण मैं कभी दूर नहीं होता, वह पूजन, दर्शन, स्पर्श अथवा संभाषण करने मात्र से मनुष्यों को पवित्र कर देता है। इस प्रकार सब अवस्थाओं में मेरे भक्तों को दिए हुए सब प्रकार के दान स्वर्ग मार्ग प्रदान करने वाले होते हैं।